सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। आज हम अर्थ इन सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम पूरे अर्थ के अंदर है, आज हम उनके बारे में सब कुछ समझेंगे, डीपली समझेंगे, हर स्टेप को समझेंगे। जो हमारा सीखने के लिए आज के लिए टॉपिक है वो हमारा क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड, ठीक है। उसके बाद सितारे और ग्रह और सौर मंडल, इनके ऊपर आज हमारी क्लास पूरी तरीके से स्टडी करेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में, स्टार एंड प्लैनेट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो खगोलीय पिंड है हमारा, तो यहाँ पे ब्रह्मांड में सूरज, चंद्रमा, ग्रह, सितारे और अन्य जितने भी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे, हम मतलब हमारे जितने भी सूरज है, सितारे हैं, चांद है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ये हमारे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके ऊपर आज भी क्या कहते हैं, रिसर्चर रिसर्च करते रहते हैं कि क्या पता और भी कोई ग्रह हो, क्या पता और भी कहीं दुनिया हो, जैसे हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, क्या पता कहीं और भी दुनिया हो सकती है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सितारे और ग्रह, स्टार्स एंड प्लैनेट। अब देखेंगे हमारा पूरा का पूरा मिल्की वे जो है वो सारा का सारा क्या कहते हैं, सितारों और ग्रह से भरा हुआ है ना। मिल्की वे पूरा जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा सितारों और ग्रह से भरा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ सितारे और क्या कहते हैं, ग्रह बहुत बड़े और गर्म है। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की अपनी गर्मी और किरणें हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं जो सूरज है वो भी हमारा एक क्या कहते हैं, तारे की तरह, सितारे की तरह। यानी कि सितारे जो हमें इतने किलोमीटर दूर दिखाई देते हैं, सिर्फ वही तारे नहीं है, तारे हमारे स्टार भी है और हमारा क्या कहते हैं, सन भी एक स्टार है। द लाइट फ्रॉम द स्टार अपेयर टू फ्लिपिंग, दिस इज कॉल्ड ट्विंकल ऑफ द स्टार। यानी कि एक स्टार के प्रकाश जो भी हमें दिखाई देता है, ये स्टार की चमक के कारण ही दिखाई देता है। यानी कि जो उसमें चमक हैगी, जो लाइट हैगी, चाहे आप सूरज की ले लो और चाहे आप सितारे की ले लो, यानी कि आप चाहे स्टार की ले लो, जिनकी भी चमक हमें दिखाई देती है, उनकी हमें रोशनी दिखाई देती है, उससे हम क्या कहते हैं, जगमहाट हमें दिखाई देती है, वो चीज़ हम समझते हैं कि उसी से ही हमें लाइट मिल रही है ना। अब ये जो क्या कहते हैं, आपके सितारे जितने भी हैं, इनकी खुद की अपनी लाइट है, जबकि हमारे पृथ्वी की अपनी कोई लाइट नहीं है। सितारे और जो सूरज है उनके अंदर गैसेस हैं, गैसेस का मिश्रण है वो, समझ रहे हैं, जिनकी अपनी खुद की हीट है, अपनी खुद की किरणें हैं, पर हमारे और किसी प्लैनेट की कोई किरणें नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे सूरज हमारे पास है, इसीलिए ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। अन्य सभी सितारे बहुत दूर हैं, इसीलिए वह छोटे बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि सूरज हमारे पास में है, तो यहाँ पे सितारे रात के दिन ही दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से हम दिन में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो है तो बहुत दूर, लेकिन उस समय उनकी अभी हमारे सूरज की रोशनी मिलती है दिन के समय, इसकी वजह से हमें सितारे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोट करा होगा कि हमें सितारे दिन में भी दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज की किरणों के कारण क्या कहते हैं, दिखाई धुंधले पड़ जाते हैं, ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या कहते हैं, वो दिखना कम हो जाता है। इतना क्लियर है? यानी कि अगर सितारों के और प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे सितारे हैं, जिसमें से सूरज भी एक एग्जाम्पल है। इन सितारों की अपनी खुद की जगमगाहट होती है, अपनी खुद की चांदनी होती है, अपनी खुद की रोशनी होती है, इनकी अपनी खुद की गैसेस होती हैं, कि बहुत सारे गैसेस से लोग मिलके बनते हैं। और आप देखेंगे कि ये कुछ सितारे हमसे दूर में हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, और कुछ सितारे हमसे पास में, इसलिए ये बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तारामंडल नक्षत्र, यानी कि रात के आकाश में आप सितारों के समूह द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं आपको,
और सितारे के इस तरह के पैटर्न को हम नक्षत्र कहते हैं। यानी कि कभी आप रात में देखो तो आप खुद से बोल सकते हो, ऐसे चेहरे बना सकते हो, ये इससे मिल गया, वो उससे मिल गया, ये उससे मिल गया, ये सारे के सारे जो तारों के समूह हैं, क्योंकि इतने सारे तारे हमारे आकाश गंगा के अंदर दिखाई देते हैं, तो आप देखेंगे हम इनके खुद के पैटर्न्स बना सकते हैं। दैट इज व्हाई हमें नक्षत्र बोलते हैं, हमें कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन अगर पेपर के अंदर आए आपके, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है? इन द नाइट ऑफ द स्काई वी कैन सी डिफरेंट पैटर्न फॉर्मड बाय द ग्रुप ऑफ अ स्टार एंड सच पैटर्न ऑफ अ स्टार इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। समझ में आया? जब रात के समय आप तारों को देखते हैं तो कुछ भी जरूरी नहीं है कि हम लोग इन्हीं चीजों को बनाए, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। कभी आपने नोटिस करा हुआ हमने हल बना दिया, कभी किसी का फेस बना दिया, कभी कुछ बना दिया। दिल्ली के अंदर जैसे प्रदूषण भरे शहर में तो दिखाई नहीं देते तारे, लेकिन कभी आप गांव जाओ वहां इतने तारे दिखाई देंगे आपको कि आप उनके पैटर्न्स बनाते बनाते थक जाओगे। इतने पैटर्न बन जाते, मैंने खुद बनाए हैं अपनी लाइफ में, मैंने खुद नोटिस करे कि हाँ पैटर्न्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऊर्जा मेजर बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा मेजर, ये देखो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये बैक साइड में मैंने भी दिखाया था, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो ये जो ये दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं ऊर्जा मेजर। सबसे बड़ा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, देखो ऊर्जा मेजर या बिग बियर भी बोलते हैं, ऐसा नक्षत्र है। ऊर्जा माइनर स्मॉल बियर एक ऐसा नक्षत्र है, ऊर्जा मेजर की तरह दिखाई देता है लेकिन आकार में छोटा है। यानी कि ये जो बियर आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल भालू की तरह बना हुआ एक नक्षत्र है, जिसे हम ऊर्जा मेजर बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं। याद रखना, आकाश नक्षत्र के अंदर बिग बियर जैसी चीजें भी बनी हुई है, लोगों ने बनाई है, लोगों ने हल बनाए हैं, लोगों ने शेर बनाए हैं वहां पे नक्षत्र के अंदर, और इन्हीं के बेसिस पे क्या कहते हैं, हमारी राशि बनी हुई है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है ये वाला, आपने इसके ऊपर कहानी भी सुनी होगी, इसे बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पोलर स्टार, याद रखिएगा पोलर स्टार एक ऐसा स्टार है जो सेक्सुअल बॉडी यानी कि हमारी पृथ्वी में ना कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, पर ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। नॉर्थ पोल में ही आपको क्या कहते हैं ये ध्रुव तारा दिखाई देगा। पहले के टाइम पे जिनके पास दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था, जिनको समय का रात के समय बहुत मुश्किल होता था रास्तों को फाइंड आउट करने के लिए, तो उस समय लोग इस तारे का इस्तेमाल करते थे और इस तारे से वो लोग अपनी दिशाओं को तय करते थे कि समय वो लोग कहाँ है। समझ रहे? यहाँ से तो यहाँ पे आप आसानी से अपने परिवार में से एक बुजुर्ग की मदद लेकर उन्हें पहचान कर सकते हैं कि आप नक्षत्रों की सहायता से ध्रुव तारे को कैसे पता लगाएंगे। ध्रुव तारे की खासियत क्या है? ध्रुव तारे की खासियत ये है कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों में से एक तारा है ध्रुव तारा। नॉर्थ पोल में सबसे ऊपर का जो चमकता हुआ तारा मिलेगा वो आपको ध्रुव तारा मिलेगा। पुराने समय में लोग क्या करते थे, द पोलर स्टार ऑलवेज अपीयर इन द नॉर्थ व्हेन सीन फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर से हम देखेंगे तो ध्रुव तारा हमेशा हमें नॉर्थ में दिखाई देगा। इट्स पोजीशन रिमेन द सेम थ्रूआउट द नाइट एंड नेवर चेंज। इसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है और ये कभी भी चेंजेस नहीं होती इसकी पोजीशन कभी भी। ड्यूरिंग द एशियन डेज, पुराने समय में क्या कहते हैं जो नावक हुआ करते थे, सेलर हुआ करते थे, है ना, और यहाँ पे बोल रखा है कि रात के दौरान दिशा निर्देश खोजने के लिए नाविका, कवालिया और इन ये सब जितने भी होते, जैसे कि आपने इजिप्ट के टाइम में लोग देखे होंगे जो रेत के अंदर चला करते थे, अपने ऊँटों से चला करते थे, जो लोग क्या कहते हैं नाव चला रहे हैं, उनको दिशा का ज्ञान करने के लिए वो लोग इनका सहारा लिया करते थे। जिस समय रात के समय लोगों को समय का पता ही नहीं चल पाता था, दिशाओं का पता नहीं चल पाता था, उस समय ये लोग इनका सहारा लिया करते थे। ठीक है, अब प्लैनेट की अगर हम बात करें, सैचुरल बॉडी कीप ऑन मूविंग अराउंड अ स्टार, ये सारे के सारे क्या कहते हैं सैचुरल बॉडी है जो स्टार क्या कहते हैं स्टार यानी कि सन के एक ही उसमें घूमते रहते हैं अपने एक ही उसमें। देखो
ये जो आपको हीट दिखाई दे रही है ये हीट ऐसी हीट है कि ये कभी भी क्या कहते हैं इसके पास हमें जाने ही नहीं देता है, नहीं तो अर्थ अर्थ क्या कहते हैं इसमें जाके समा जाएगा और जल जाएगा, जल जाएगा। इसकी वजह से जो अर्थ अर्थ है उसके अंदर अपनी क्या कहते हैं एक हीटिंग पावर अपनी है और इसकी भी है, जिसकी वजह से ये लोग क्या कहते हैं कभी भी सूरज के पास आ ही नहीं पाते, ये लोग सूरज के पास आ नहीं पाते और अपने ही जो भी इनकी सीमा हैगी उसी के अंदर ये लोग घूमते रहते हैं पूरी तरीके से, समझे, कभी भी ये लोग उनके पास नहीं आते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे ये प्लैनेट्स हैंगे इनकी खुद की ना अपनी खुद की तो कोई लाइट है नहीं, ठीक है, खुद की कोई लाइट नहीं है क्योंकि सूरज थर्ड नंबर पे आता है। ये देखो पहले नंबर पे जो है ये सबसे गर्म, दूसरे नंबर पे जो है वो उससे थोड़ा सा कम गर्म है, लेकिन जो थर्ड नंबर पे वो उससे ज्यादा गर्म हो रहा है ना, लेकिन जो पीछे के होंगे ये कितने ठंडे पड़े होंगे क्योंकि इनकी अपनी खुद की सूरज की किरणें तो है नहीं और सूरज की किरणें वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है, इसीलिए वो क्या कहते हैं बहुत ठंडे रहते हैं, समझ रहे। इनमें से कुछ कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो बहुत ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे ए प्लैनेट डज नॉट हैव देयर इट्स ओन लाइट, द अर्थ इज अ प्लैनेट। यहाँ पे अर्थ ही एक ऐसा है जो क्या कहते हैं पूरी तरीके से डिपेंड रहता है और अर्थ के पास रात के समय में उसके पास सिर्फ एक ही मून है, बाकी और अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो किसी के पास 16 मून है, किसी के पास 17 मून है अपनी चमक के लिए, पता है आपको। और देखो अगर सूरज की किरणें अगर हमारे धरती पे ना पड़े, सूरज की किरणें अगर धरती पे नहीं पड़ेगी तो पता क्या होगा, अरे पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, समझ रहे। तो ये जो प्लैनेट है इस प्लैनेट की अगर हम बात करें, एक ग्रह अपना प्रकाश, एक ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता और पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसका कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है इसी वजह से वो पूरी तरीके से सूरज के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब देखो अगर हम स्टार और प्लैनेट में अंतर देखें तो स्टार जो है वो बहुत बड़े होते हैं साइज में लेकिन प्लैनेट बहुत छोटे होते हैं, इसलिए स्टार बड़े होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं हमसे, इसी वजह से क्या कहते हैं हमें छोटे दिखाई देते हैं। दूसरा, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है पर प्लैनेट की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एनी सेचुरल बॉडी, स्टार जो है जहाँ पे है वो अपनी स्थिति पे ही कहीं नहीं हिलता वहां से, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। पहले किसी साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी थी कि जो पृथ्वी है वो सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन बाद में थ्योरी साबित ये हुई कि ऐसा नहीं है, जो अर्थ है वो पृथ्वी के अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमता है। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो अर्थ है ना पूरी तरीके से कुछ अर्थ के साथ साथ हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ साथ छोटे छोटे उपग्रह भी हैं। उपग्रह जो होते हैं आपने देखा होगा, ऐसे कहते हैं कि अगर कोई उपग्रह उल्काएं अगर क्या कहते हैं धरती पे आगे टकरा जाए तो हमारा पूरी धरती खत्म हो जाएगी, उल्का पिंडी। कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे, जब एक उल्का पिंड धरती पे गिरी थी जिसकी वजह से पूरा धरती विनाश हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी होती है उल्का पिंड। ये उपग्रह है, याद रखिएगा, ये उपग्रह धरती मतलब हर जगह छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन सैटेलाइट तो चंद सैटेलाइट भी हैं जो हम लोग अपने पृथ्वी से बाहर भेजते हैं। ये सैटेलाइट हम क्यों भेजते हैं, देखो सम सैचुरल बॉडी कीप ऑन मूविंग अराउंड द प्लैनेट, कुछ ऐसी सैचुरल बॉडी है जो अराउंड की प्लैनेट के आसपास घूमती रहती है, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट, और मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पर जो मून है वो क्या कहते हैं सैटेलाइट मतलब भारत, उसके लिए सिर्फ मून ही क्या सैटेलाइट है भारत के लिए, बाकी और कोई नहीं है। पर नाउ डेज हम लोग क्या करते हैं अपनी तरंगों को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग आसमान के अंदर बहुत सैटेलाइट भेजते हैं, कभी देखा है आपने, दीज सैटेलाइट आर यूज टू डिफरेंट पर्पस। ये सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं इसलिए भेजते हैं, जैसे हमने फोन करा, फोन करने के बाद हमारी तरंग डायरेक्टली मेरे सैटेलाइट को टच होती है और टच होने के बाद वो फिर किसी बंदे को कॉल लगता है, और देखो ये कनेक्शन होने में कितना टाइम लगता है, इतने कम सेकंड में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता।
ये सैटेलाइट हम लोग इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम लोग रेडियो चला सके, हम लोग टेलीविजन चला सके। देखो टेलीविजन और टेलीफोन के सिग्नल भेजने के लिए हम लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पृथ्वी में तस्वीर भेजने के लिए, क्योंकि पूरा जो भारत है उसकी फोटो को हम खींचे, हम लोग अपनी फोटो तो खींच लेते हैं लेकिन पूरे भारत की फोटो कहीं खींचे कि बर्फ यहाँ से पिघल रही है, ये धरती इतनी है, वो इलाका इतना है। ऊपर से पृथ्वी की फोटो खींचने के लिए पूरे भारत की, उसके लिए हमें सैटेलाइट भेजना पड़ता है। और दूसरा कि जो भी आज भूकंप आएगा, कल तूफान आएगा, वहां से हवा यहाँ आ गई, वहां से हवा यहाँ आ गई, कैसे पता चलता है किसी को? सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है हमें, समझ रहे? वहीं से पता चल पाता है। तो सैटेलाइट की ये पर्पस है जो लोग हम लोग वहां पर आसमान के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम ये सारे हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेन और नेपटून और प्लूटो, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उल्का पिंडी भी हैं, वो भी हमारे क्या कहते हैं सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उल्का पिंडी मैंने भी बताया कि ये तो मिली हुई है लेकिन कुछ ऐसी है जो आसपास हमारे इनकी मूविंग कर रही है, घूम रही है इनके आसपास, जहां पर उस सतह में धरती जीवन नहीं, कुछ मिला नहीं है कहीं पे किसी को भी कि वहां पे हो सकता है नहीं हो सकता। अब सन की अगर हम बात करें तो सन जो है अपनी हीट को भेजने के लिए कितना किलोमीटर दूर है? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना। इट इज अ ह्यूज साइज, सन बहुत बड़ा है। इट मेड ऑफ हॉट गैसेस, ये बहुत से गर्म गैसों से बना हुआ है। द सन प्रोवाइडेड द पुलिंग फोर्स व्हिच बाइंड द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या कहते हैं, सन के पास ऐसी क्या कहते हैं पावर है कि वो सोलर सिस्टम को दूर जाने ही नहीं देता, वो अपने पास इतना खींच के रखता है कि पृथ्वी की सतह जो है ना उससे कभी कभी भी पूरी तरीके से उसके पास आ ही नहीं पाती है, समझे। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम ही रही है और घूमने की वजह से जो पृथ्वी का एक सर्कल हैगा वो पूरा का पूरा 64 दिन समथिंग 24 घंटे लेती है पूरी कवर करने के लिए। एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए उसे एक साल से ज्यादा लग जाता है, एक साल लग जाता है जब हम दूसरा कैलेंडर उसे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जो सूरज है वो पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्टार है जो हमें क्या कहते हैं किरणें देता है, समझो, हीट देता है अपनी। और हीट देता है तो आप देखेंगे कि सूरज और सौर मंडल के केंद्र में है, ये आकार में विशाल है, ये गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य खींचने वाली शक्तियां प्रदान करता है जो सौर परिवार के सदस्यों को बांध कर रखती है, यानी कि सूरज के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी गैसेस है जो दूसरे प्लैनेट को दूर होने ही नहीं देती है। नहीं तो और भी कितने प्लैनेट्स हैं जो दूर दूर पड़े हुए लेकिन उन प्लैनेट्स को दूर होने ही देती है। पृथ्वी अपने सतह पे इसलिए घूमता रहता है क्योंकि इसके अंदर अपनी खुद की हीटिंग पावर है और खुद की अपनी अब्सॉर्बिंग शक्ति है। चाहे तो पृथ्वी अपने सतह से दूर हो सकता है, हट सकता है, लेकिन वो उसे दूर होने ही नहीं देता। आप बोल सकते हो इनके बीच में कुछ ऐसा चुंबकीय कुछ ऐसा है जो बिल्कुल उनको एक सटीक बैलेंस बना के रखा हुआ है। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सूरज बहुत गर्म है लेकिन इसकी गर्मी हमें महसूस हम करते हैं क्योंकि सूरज बहुत दूर है। वास्तव में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी हम ये लगाते हैं 1.8 × 10^11, यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे सूरज। इतनी दूर है, देखो आपको डिस्टेंस कितना दिख रहा है। अगर सूरज और हमारे पास होता तो हम लोग अभी जल रहे होते। सूरज हमसे इतनी मिलियंस दूर है, इतने मिलियंस दूर, जब भी क्या कहते हैं हमें इतनी गर्मी लगती है, सोचो उसमें कितनी गर्मी होगी। उसमें इतनी किलोमीटर दूर है हमसे और ये पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये सूरज की किरणें एक बारे में पहुंचती है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 500 सेकंड लगे और 500 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो उन्हें 8 मिनट, यानी कि पृथ्वी के सूरज की किरणों को पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अब जो अगला स्टेप आ रहा है वो हम प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा प्लैनेट्स आपको पता ही है कितने सारे हैं, ये सारे प्लैनेट कहलाते हैं। ये प्लूटो जो है साइज में छोटा था, इसी वजह से एज यूजल इसको बाहर कर दिया गया। लेकिन देखो एस्ट्रॉयड और मैस्ट्रॉयड जो है ये क्या कहते हैं इनके
आसपास इतने सारे संख्या में हैं जिसकी गिनती नहीं है कोई। ये भी बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि ये भी एक प्लैनेट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, इसको इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और कैसे इनके नाम को याद रखा जा सकता है, ये तरीका है, आपकी बुक के अंदर भी ये चीज दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्ड्स। तो इस बेसिस पे MYMVEMJSU और N, तो इस बेसिस पे भी आप क्या कहते हैं इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स है, अब आप देखेंगे यहाँ पे टिल 2016 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो को एक कंसिडर्ड करा जाता था कि ये भी प्लैनेट हो सकता है, पर ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ एन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द साइंटिस्ट डिसाइडेड दैट इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। तो 2006 के अंदर ये ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, ड्वार्फ प्लैनेट। क्रस्टर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। ये देखो, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसने ये तय कर दिया कि 2006 के बाद कि जो क्या कहते हैं प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है, ठीक है। वो आप दूसरी कैटेगरी में आता है। अब अगर अर्थ की बात करें कि पृथ्वी सूरज का तीसरा ग्रह है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है, यह सौर ऊर्जा का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी का आकार में गोलाकार है और ऊपर और नीचे चिपटा हुआ है, इस तरह से आप इसका आकार को जियोड या पृथ्वी के आकार का कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि जो पृथ्वी की सतह है, जो कहते हैं कि लोग बिल्कुल गोल है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी की सतह चपटी हुई है और नीचे से ऊबड़ खाबड़ भी है, ऊपर से ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह हमें ऊपर से देखने में गोल दिखाई देती है, लेकिन ये असल में जियोड जो है इस शेप की है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है, अर्थ की क्वालिटी यही है कि यहाँ पर क्या कहते हैं जीवन है। तो यहाँ पे अर्थ एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है, पृथ्वी का सही तापमान है यहाँ पर, ना तो यहाँ ज्यादा गर्म है और ना यहाँ ज्यादा ठंडा है, और यहाँ पे हवा और पानी सब मौजूद है। अगर आप और प्लैनेट्स को देखोगे तो वहाँ पे कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे प्राणी नहीं रह सकते, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवित प्राणी आसानी से रह सकते हैं, और उनके पीने के लिए पानी भी है, हमें यहाँ पे हवा में ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी वजह से हम जी सकते हैं, प्राणी खाना पीना खा सकते हैं, और जीवन जो है यहाँ पर एक सही स्थिति में मौजूद है। यानी कि और भी हैं, लेकिन वहां पे तापमान कंटिन्यू बिल्कुल बराबर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे ऋतुएं आती है बहुत ठंडा है, जैसे यहाँ पे आती है जुपिटर है बहुत गर्म है, बहुत विशाल है, इतना भारी है कि वहां पता ही नहीं चलता। तो ये अर्थ है, यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी कि भाई ये यहाँ पे लोग रह सकते हैं, ऑक्सीजन है, जीवित प्राणियों के लिए हर चीज यहाँ पे मिल जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल, याद रखना, हर किसी बाहर 22 अप्रैल के दिन हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ब्लू प्लैनेट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पृथ्वी की सतह को ऊपर से देखा जाए फोटो से, फोटो के माध्यम से, तो वहां पर सबसे ज्यादा पानी ही दिखाई देता है ना, इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि इज अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट और नॉट, तो आपका आंसर क्या आएगा, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज अगर हम ऊपर से इसको देखते हैं तो यहाँ पे पानी क्या है, ज्यादा दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, पानी ज्यादा दिखाई देता है, इसकी वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब अगर मून की बात करें हम, तो मून जो है चंद्रमा सौर ऊर्जा से हमारे बिल्कुल निकट में, यानी कि 384 लाख किलोमीटर दूर है बस, लेकिन 384 लाख किलोमीटर ही बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दूसरा, अब आगे देखते हैं, द मून टेक्स अराउंड 27 टू मेक द राउंड अराउंड द अर्थ, इट टेक्स सेम नंबर ऑफ द ईयर टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे अर्थ जो है ये पूरा का पूरा अपनी प्लेस पे घूमने के लिए मून जो है 27 डेज लेता है। यानी कि देखो, यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो अर्थ है ना वो अपनी ऑर्बिट पे तो घूम ही रहा है,
ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पे तो घूम ही रहा है, लेकिन जो मून है वो इसके चारों तरफ इधर इधर घूम रहा है ना, जिसकी वजह से इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 29 डेज लगते हैं। पेपर के अंदर ये भी फैक्ट आते हैं, ठीक है। और इसके कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक चेहरा दिखाई देता है, इस कारण हम महीने के विभिन्न दिनों में चंद्रमा के विभिन्न आकारों को देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे है तो कुछ और दिखाई देगा, यहाँ है तो कुछ और, यहाँ है तो कुछ और, ठीक है। जब ये पूरा दिखाई देता है तो उसे हम न्यू मून कहते हैं। ये आपके पेपर में भी आया था, पेपर के अंदर, कि न्यू मून क्या है। अगर हम इसके बारे में देखें कि भाई व्हेन द मून अपेयर्स लाइक अ सर्कुलर डिस्क, यानी कि जब ये पूरा दिखाई देता है सर्कुलर डिस्क की तरह, तो इसे क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा। इस दिन चांद जो है पूरा गोल शेप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, पूरा गोल शेप में। तो ये एक फ्रेज है जिसके कारण चंद्रमा के चरण है। दूसरा आप देखें तो ये भी मून जो है, एक मून हमें क्या कहते हैं, पूरा दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और जब ये आधा हो जाता है ना, तो इसे हम अर्ध चंद्र का चंद्रमा कहते हैं, जो आधा हो जाता है बिल्कुल लगभग इसका। यहाँ से फिर क्या कहते हैं, जो चंद्रमा होता है वो पूरा कंप्लीट बनना चालू करता है, ठीक है। तो द मून हैज नो वाटर और नो एयर, द क्लाइमेट ऑफ द मून इज वेरी हर्श एंड इट नॉट सुटेबल ऑफ फॉर द लाइफ। जो चंद्रमा है वहां पर कोई हवा पानी नहीं है, ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहां पानी मिल गया है, पर ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। अभी भी चंद्रमा का वातावरण बहुत कठोर है, यहाँ जीवन जो है सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बाइनोक्लास से अगर आप उससे देखोगे क्लियर तरीके से, तो आपको उससे पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उसकी सतह जो है ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं उधर, दैट इज वाई वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, जीने के लिए हमें हवा चाहिए और हमें क्या कहते हैं, पानी चाहिए, वो मून पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एस्ट्रॉयड जो आप बोल रहे थे, क्षुद्र ग्रह, बहुत छोटे छोटे ग्रह, सूरज के चारों ओर घूमने वाले कई छोटे छोटे ग्रह हैं। यह बृहस्पति और मंगल के कक्ष के बीच में मौजूद है। इन्हें हम एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, बहुत छोटे छोटे ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का हिस्सा है जो अरबों साल पहले फट चुके थे, यानी कि छोटे 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 ये हिस्से हैं ये पत्थरों के, जो साइंटिस्ट मानते हैं कि या तो सूरज के चारों ओर घूम रहे, या तो क्या कहते हैं, ये जुपिटर और मार्स के बीच में या आसपास है, जिसकी वजह से ये पहले कभी प्लैनेट रहे होंगे अरबों साल पहले, जो विस्फोट हो गए, फट गए, जिसकी वजह से अब ये कोई प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे हम मैस्टर्स एंड मेस्ट्रॉयड अगर देखें, यानी कि उल्का और उल्का पिंडे अगर देखें हम, कभी कभी चट्टान का एक छोटा टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय यह आमतौर पर जल जाता है। यह एक शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देता है, इन्हें उल्का कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो इतनी हीटिंग छोड़ती है कि अगर कोई छोटी छोटी उल्का उल्काएं अगर आएंगी, मैस्टर्स अगर आएंगे, तो वो जब पृथ्वी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां तक आते आते अपने आप खुद ही जल जाते हैं। या तो ऐसा होता है कि अगर वो यहाँ टच होने आ रहे हैं तो वो नीचे चले जाते हैं, कई घर वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो पृथ्वी की सतह पे आके टकरा गए, सपोज मान लो कि बहुत बड़ा पत्थर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, उनका कोई पृथ्वी की तरफ आ रहा है, अगर वो पृथ्वी की तरफ आके अटैक कर देता है ना, तो इतना ज्यादा नुकसान होता है हमारा कि आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। ये पत्थर छोटे छोटे दिखाई देते होंगे आपको, कभी कभार आप कहते हो कि भाई चांद टूट गया, कभी कुछ टूट गया, हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे मैस्ट्रॉयड होते हैं, उल्काएं होती है जो पृथ्वी की सतह पे आके लड़ती है। अगर छोटी है तो ये जल जाती है और फिर ये खत्म हो जाती है, पृथ्वी की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर ये बड़ी है, ये देखो, अगर ये बड़ी है तो ये उल्का पिंडे यहाँ पर जमीन पे आके टकराती है और पूरे पृथ्वी का सर्वनाश करने की क्षमताएं रखती है। तो जब पृथ्वी पर चट्टान का एक टुकड़ा भूमि पर होता है तो उसे उल्का कहा जाता है। कुछ उल्का पिंडे इतनी विशाल हो सकती है कि वो पृथ्वी की सतह पर गहरे क्रोड के कारण बन सकती है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर उल्का पिंड के कारण ही डायनासोर जो थे वो मरे थे, यानी कि अगर आज से लाखों साल पहले अगर क्या कहते हैं हमारी पृथ्वी पर डायनासोर थे, तो उनको खत्म होने का कारण कहीं ना कहीं उल्का पिंडे ही थी, यानी कि जो मैस्ट्रॉयड जो थे, जो पृथ्वी के कॉन्टेक्ट में आके टच हुए थे, वो क्या कहते हैं उल्का पिंडे हो सकते हैं।
आकाशगंगा आप देखेंगे कि भाई अरबों सितारों की एक प्रणाली है जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा आकाश में रह रहे हैं, ये एक स्पष्ट रात को आप आसानी से देख सकते हैं पूरे बादल के अंदर, ये आकाशगंगा है। अब यूनिवर्स की अगर बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर यहाँ पे एक ग्रह है, 8-9 जो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ऐसे और भी होंगे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसको किसने बनाया किसी को नहीं पता। कहाँ से हम इतने कैसे टिके हुए यहाँ पे, जीवन कैसे संभव है, हम कहाँ से आए, ये थोड़ा सा रहस्य आज के डेट में भी साइंटिस्टों के लिए आज भी है। कि ये देखो, आप बोल सकते हैं ब्रह्मांड अरबों आकाश गंगाओं से बना हुआ है। देखो ये सारी आकाश गंगाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी आकाश गंगाएं हैं। हम सभी ब्रह्मांड में रहते हैं, वैज्ञानिक अब तक ब्रह्मांड के आकार का अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि पूरा ब्रह्मांड बड़ा कितना है। हम पृथ्वी के डायमीटर को नाप सकते हैं, मून के डायमीटर को नाप सकते हैं, लेकिन हम अभी पूरे ब्रह्मांड को नाप ही नहीं पाए। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है साइंटिस्ट के लिए, समझ रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सिस्टम।